सचिन पायलट के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अभी तक पायलट की प्रियंका गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। राजस्थान के सियासी विवाद का केंद्र एक बार फिर से दिल्ली बनती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट दिल्ली में है, दूसरा दिन है, सीनियर नेताओं से मुलाकात उनकी नहीं हुई है। मुलाकात जो है वो प्रियंका गांधी से भी की जानी है। सचिन पायलट के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे सचिन पायलट। राजस्थान में नाराज नेताओं को मनाने की जो कवायद है वो लगातार अब चल रही है। अभी तक पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हुई है। राजस्थान के सियासी विवाद का केंद्र एक बार फिर से दिल्ली बनती हुई नजर आ रही है। करीब 10 महीने बाद प्रदेश में सियासी सुलह के समीकरण बनने लगे हैं। जितेन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी से विदाई क्या ली, आलाकमान बाकी राज्यों में अपने युवा तुर्कों को संभालने में जुट गया है। पिछले 3 दिन में राजस्थान में सियासी डेवलपमेंट तेज हो गए हैं। सचिन पायलट के आवास पर विधायक के जुटने से लेकर विश्वेंद्र का सीएम के पक्ष में बयान, पीआर मीणा के गहलोत की तारीफ करना और फिर वापस पायलट के प्रति निष्ठा जताना। इस बीच प्रियंका गांधी के बुलावे पर सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। खुद प्रियंका गांधी इस वक्त शिमला में हैं, लिहाजा पायलट की उनसे मुलाकात होगी या नहीं ये तय नहीं है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पायलट से फोन पर बात की, जल्द ही बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का भरोसा दिया। इन सबके बीच पायलट गुट के वरिष्ठ मंत्री हेमाराम चौधरी अब भी अपनी बात पर अड़े हैं, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन की वजह से इस्तीफे पर फैसला लटक गया है। वो अपील करे, दूसरे अपील करे, वो तो अपनी बात करेंगे। फैसला तो मेरे को करना है ना, मेरी आत्मा क्या कहती है वही करूंगा। लेकिन क्या ये बात सही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता संगठन में सही जगह नहीं मिल पा रही, मिलती होती तो शायद और अच्छा होता। ये भी इस्तीफा मंजूर होने के बाद में आपको बताऊंगा, अभी क्या ठीक नहीं है। इधर सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर तल्ख बयान देकर ये साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कांग्रेस के भीतर ही रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने भी सुना, रीटा भावना जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। दरअसल पिछले साल सियासी संकट के बाद आलाकमान ने सुलह के लिए कमेटी का गठन किया था, लेकिन ये कमेटी 10 महीने बाद भी कोई फैसला नहीं ले पाई है। इस कमेटी में अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल सदस्य थे। अहमद पटेल के निधन के बाद कमेटी में 2 सदस्य ही बचे। पटेल के निधन के बाद इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई। इधर पंजाब कांग्रेस में उपजे सियासी विवाद को सुलझाने के लिए भी हाल ही में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद पायलट खेमे के विधायकों ने ये आवाज उठाना शुरू कर दिया कि अगर पंजाब में 10 दिन में फैसला हो सकता है तो राजस्थान में 10 महीने में भी क्यों नहीं हुआ। हालांकि अजय माकन साफ कर रहे हैं कि वो लगातार सचिन पायलट के संपर्क में है, आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड ऑफ कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज हैं। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है, अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। लेकिन अब कई सवाल सियासी गलियारों में चर्चा के विषय बने हुए हैं। क्या आलाकमान सुलह के समीकरण बैठाने की पूरी तैयारी में है? क्या शिमला से लौटकर प्रियंका गांधी पायलट से मुलाकात करेगी? क्या सुलह कमेटी अधूरे कोरम में ही फैसला लेगी या नए सिरे से कमेटी का गठन होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या इस बार समाधान होना तय है, क्योंकि पिछले 3 दिन से जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट तेज हुए हैं उससे तो यही संदेश जा रहा है कि सचिन पायलट भी जानते हैं कि लोहा गर्म है, अगर इस बार भी चूके तो मामला फिर लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में जा सकता है। दिल्ली से मनोहर विश्नोई और जयपुर से सुशांत पारिक, सी मीडिया।